मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो ये बेसिकली बैठ करके मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई अब फैब्रिकेटर के बारे में कुछ बताओ, कि अगर हमने काम सीखा हुआ है और हमको दुबई में काम करना हो बेसिकली, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कितने तक सैलरी मिल जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप फैब्रिकेटर का काम सीखे हुए तो दुबई में काफ़ी अच्छी डिमांड है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। मैं आपके साथ फटाफट शेयर कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स अभी के टाइम पर। अगर आपको वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं तो अभी के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी जॉब करने में। रिक्वायरमेंट की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद मैं फटाफट आपके साथ सैलरी शेयर कर दूंगा, कितने तक सैलरी मिल जाती है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखो। अब अगर आप वीडियो देख लोगे पूरा तो आपको सारी चीज़ें बता जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला रिक्वायरमेंट्स है आपका जो मिनिमम आप 10th पास हो, विथ 10th 12th पास हो तो और बढ़िया है, बट मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके 50% मार्क्स आराम से होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए इतने, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपका मेडिकल परफेक्ट हो, कोई शरीर में कमी ना हो, किसी बीमारी से आप पीड़ित ना हो, ये चीज़ ध्यान देना। थर्ड चीज़ है आपका वैक्सीन जो है, वैक्सीन कोरोना का लग रहा है ना, तो दोनों वैक्सीन कंप्लीट रहना चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए है, ये चीज़ जरूरी हो चुकी है अभी के टाइम पे। और फोर्थ चीज़ है आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, आप अपना हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस भी करवा लेना, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में, नहीं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये चीज़ें बनवा लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर हम बात करें एज ऑन एन एवरेज सैलरी, तो इंडिया में ही 4 लाख पर ईयर है, बट अगर हम बात करें दुबई की, तो आप लगभग स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 50 से 55 हज़ार रुपये स्टार्टिंग कमा सकते हो। अगर आपको कुछ दिनों का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप आराम से 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कई लोग कमा रहे हैं, आप उतने तक कमा सकते हो। आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने अच्छे तक एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कैसे कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट आप अच्छे एजेंट को चुनो, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई डाउट तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।